क्या नो लाइफ टाइम वैलिडिटी? अरे यार ये क्या हो गया? क्या सच बोल रहे हो नो लाइफ टाइम वैलिडिटी? अरे यार नमस्कार दोस्तों, टेकी जस्ट वीडियो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो एक्साइटिंग वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है आप सभी के लिए, जो भी आप अपने मोबाइल फोन यूज़ कर रहे हो। क्योंकि आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि कोई भी अभी लाइफ टाइम वैलिडिटी का कंसेप्ट बिल्कुल भी ख़त्म हो गया है सभी यूज़र्स के लिए, सभी कंपनीज के लिए। पहले होता था कि एक बार पैक डलवा के आपको जो वैलिडिटी है कम से कम वो तो लाइफ टाइम हो जाती है, पैक जो आप डलवाते हो वो आप यूज़ कर सकते हो, पर अभी ये कंसेप्ट बिल्कुल भी ख़त्म कर दिया है सभी कंपनियों ने। तो आगे देखते रहिए इसी वीडियो को इसी के बारे में और जानकारी लेने के लिए। तो आप देख रहे हैं टेक की जस्ट यूट्यूब चैनल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि पहले जो आप कोई भी अपना नंबर लेते थे, जैसे आपने वोडाफोन का नंबर लिया, चाहे आइडिया का लिया, चाहे एयरटेल का लिया, किसी भी कंपनी का आप नंबर लेते थे, तो उसमें आपको जो है वो कह देते थे कि आप इसमें रिचार्ज करवा लीजिए 100 रुपीज़ का चाहे 200 रुपीज़ का, और उसमें जो वैलिडिटी है वो आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी है। तब सिर्फ ऐसा होता था कि जो BSNL है सिर्फ उसी की हमें वैलिडिटी डलवानी पड़ती थी, जैसे 6 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए या 1 साल के लिए। बाकी सभी कंपनीज जो होती थी उसकी लाइफ टाइम की वैलिडिटी होती है। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट आई है मेरे पास, तो उस हिसाब से जो है अभी सभी कंपनीज ने जो क्या है अपनी लाइफ टाइम वैलिडिटी का कंसेप्ट है जो वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। क्यों ऐसा क्यों किया है उसी के बारे में आगे आपको और भी बताऊँगा मैं। पहले तो ये सबसे बड़ी अपडेट है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी ख़त्म कर दी गई है। अब आपको क्या है, आप जो भी पैक डलवाओगे, जैसे आपने 35 का, 65 का, कोई भी आपके अलग अलग कंपनी के हिसाब से है, वो जो भी आप डलवाओगे उसमें आपको वैलिडिटी मेंशन की होगी कि 28 डेज़ की वैलिडिटी है, 30 डेज़ की वैलिडिटी है, 60 डेज़ की वैलिडिटी है, तो उतनी वैलिडिटी ही आपको मिलेगी। तो सबसे पहले तो ये बड़ी बहुत बड़ी न्यूज़ है। जब मुझे इसका पता चला तो मैं बहुत शॉक्ड हुआ कि ये कैसे एकदम से इन्होंने डिसीज़न ले लिया। पर बहुत बड़ा डिसीज़न है दोस्तों, ये इन्होंने स्पेशली इसके लिए किया है। जैसे कि आपको पता ही है कि जियो के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और जो जियो कंपनी है उसका भी आपको पता ही है कि कुछ एक कंसेप्ट ऐसा ही है। क्यों, उसमें क्या है कि आपको अगर आप 399 का प्लान डालते हो तो उसमें आपको 84 डेज़ के लिए वैलिडिटी मिलती है, अगर आप 149 का करवाते हो तो आपको 1 मंथ के लिए मिलती है। तो उसी हिसाब से अभी दूसरी कंपनीज ने अपना ये स्कीम स्टार्ट कर दी ताकि हम जो है जियो का मुकाबला कर सकें। और जो लोगों का अपना जैसे कोई प्राइमरी नंबर होता है, जैसे मान लीजिए किसी का आइडिया है, किसी का एयरटेल है, किसी का वोडाफोन है, तो वो अभी क्या है उनको ज़बरदस्ती रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा अगर वो आपके नंबर को चलाना चाहते हैं। तो यही एक इनकी कंपनीज की मेन पॉलिसी क्या है कि लोग हमारी सर्विसेज यूज़ करें, क्योंकि अभी हम मेनली लोग क्या करते हैं कि जो आपकी दूसरी कंपनीज है वो आजकल सभी लोग अपने उसको एज ए सेकेंडरी सिम यूज़ करते हैं। मेनली लोग जो है अपना जियो का सिम ही यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली पैक भी उसी में डलवाएंगे, जो 349 है या 399 है प्लान वो उसी में करवाएंगे। तो दूसरी कंपनीज जो हैं वो बिल्कुल भी उनको कोई भी रिचार्ज नहीं करवाता, जिसकी वजह से क्या है उन कंपनीज़ को बहुत ही ज़्यादा लॉस में जाने लग गई है। तो ये मेरे हिसाब से डिसीज़न उन लोगों ने इसी के लिए ही लिया होगा। तो मुझे ये बहुत ही बड़ी मतलब न्यूज़ लगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से आपको इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए। तो अभी इसके लिए आपको दोस्तों, अगर आपने अपना पहले वाला नंबर बिल्कुल भी रिचार्ज नहीं करवाया तो उसे जल्दी से रिचार्ज करवा लीजिए, नहीं तो आपका जो है वो प्लान बंद हो सकता है आपका नंबर, अगर आप उस पर रिचार्ज नहीं करवाओगे। और आगे हम इसके बात करें कि अगर आपका जो है रिचार्ज नहीं करवाते तो फिर क्या होगा, तो उस प्लान में दोस्तों ऐसा है जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि इसमें जो है आपको 2 ग्रेस पीरियड मिलते हैं बाकी सभी कंपनीज़ में। मैं स्पेशली आपको वोडाफोन का बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास वोडाफोन का सिम है जो मेरा मेन नंबर है। तो उसमें क्या है दोस्तों, अगर आपकी जो वैलिडिटी है वो निकल जाए, ठीक है, तो पहले 15 दिन का जो ग्रेस पीरियड होता है उसमें क्या होता है कि आपकी सारी आउटगोइंग कॉल्स, SMS और जो आपके डाटा है वो सारा बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ क्या है जो फर्स्ट 15 डेज़ है वो उसको ग्रेस पीरियड 1 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो ग्रेस पीरियड 2 स्टार्ट हो जाता है, वो 30 डेज़ का है। उसमें जो है आपका इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही बंद हो जाती हैं। पहले में क्या था, सिर्फ आपके जो है आउटगोइंग कॉल्स जो है वो बंद होती हैं, दूसरे में क्या है इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही बंद हो जाती हैं। और दोस्तों जो तीसरा पीरियड होता है इनका वो होता है 3 मंथ्स का। अगर 3 महीने के अंदर अंदर भी आप कोई भी रिचार्ज नहीं करवाते तो आपका नंबर बंद हो सकता है। तो इस तरह की जो है वो लेटेस्ट अपडेट है।
तो जल्दी से आप अपने नंबर को रिचार्ज करवा लीजिए अगर आपने नहीं करवाया तो, नहीं तो आपका नंबर जो है वो बंद हो सकता है। सो ये वीडियो बताइए आपको कैसी लगी दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, क्योंकि बहुत से लोग हम जो क्या है मैसेज का कई बार ध्यान नहीं करते, तो इस केस में आपका जो नंबर है वो धीरे धीरे बंद हो सकता है। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों के साथ बांट दीजिए इस वीडियो को, ताकि वो इसके बारे में पता लगा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।